कर्मियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 17/8/22 को दिन में तथा रात्रि में ऐसी जानकारी मिली कि जो सासाराम नगर थाना क्षेत्र के करगर मोड़, गजराज मोहल्ला तथा धर्मशाला मोड़ के पास कुछ अपराधकर्मी किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SDPO सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें सासाराम टाउन SHO एवं सासाराम टाउन थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे और उनके द्वारा इस मामले इस सूचना के सत्यापन करते हुए छापेमारी किया गया तथा उसमें से करगर मोड़ से शहजाद आलम को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जानी बजार थाना सासाराम नगर का रहने वाला है और इसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त गजराज मोहल्ला से अजीत कुमार मोनू, पिता अशोक कुमार जो कि गजराज गोरक्षणी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 1 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त धर्मशाला चौक से वैभव कुमार जो कि बेलारी का रहने वाला है करगर थाना क्षेत्र का, उसके पास से 1 देसी पिस्टल और 1 मोबाइल और 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया है एवं विकास कुमार जो कि पनेरी थाना गांव पनेरी तथा थाना करगर का रहने वाला है, उसके पास से 1 जिंदा कारतूस और तथा 1 मोबाइल बरामद किया गया है तथा जयप्रकाश चौधरी जो कि जानी बाजार थाना सासाराम नगर का रहने वाला है, उसके पास से 3 मोबाइल बरामद किया गया है तथा उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उक्त अपराध कर्मियों से अग्रतर पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार से रोहतास पुलिस और सासाराम नगर थाना के द्वारा तत्परता दिखाते हुए जो अपराधकर्मी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे उनको प्रयासों को विफल किया गया है, उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसमें इस पूरे मामले में कुल 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है तथा 3 देसी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल तथा 1 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।